शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम साइम रजा है, हमसे उन्ती क्लास के बच्चे हैं और अलसर एकेडमी सरजई पयान में हम पढ़ते हैं। आज हमारे क्लास के बच्चे बाहर आए हैं प्लांटेशन के लिए। हमारे क्लास के बच्चों ने चार्ट्स भी बनाए हैं और हम आज इधर बाहर पौधे भी लगाएंगे। बच्चों से हम पौधों की अहमियत के बारे में भी कुछ पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ये बनाया कि अगर हम पौधों के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी ज़मीन सरसब्ज रहेगी और हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और अगर हम पौधों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे तो हमारी सारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, सारा इंसान और हैवान ख़त्म हो जाएंगे। मैंने शुजरकारी के पेड़ भी लेके हैं, उनमें से हमने दो शेर भी लेके हैं जो हम तो महरूम हैं सातवें की रिफाकत से, मगर आने वालों के लिए पेड़ लगा देते हैं। तुमने देखा है कभी आग नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। माय नेम इज़ मोहम्मद साकिब, आई एम फ्रॉम मिठा खान। मैंने बहुत सी मालूमात लिखे हैं, बहुत से दरख्तों के फ़वाद लिखे हैं, लेकिन उनमें से मैं चंद बयान करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे और गज़ी एजेंसी में पाकिस्तान में बहुत सारे कुदरती दरख्त हैं, लेकिन बदकिस्मत यह है कि लोग काटते हैं, उसे लगाते नहीं। हमें चाहिए कि एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह ज़रूर लगें ताकि माहौल खुशगवार हो। थैंक यू। अऊज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं तो सरजोई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे काम के लिए तैयार किया, और दूसरी बात कि दरख्त हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अगर दरख्त नहीं होंगे तो कार्बन ना ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, और हमें मज़ेदार खाने के लिए फ्रूट्स भी देते हैं, और ये हमारे आबो हवा को भी साफ़ करते हैं। तो मैं छोटे बड़े सबको ये मालूमात देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और पेड़ काटने का काम ख़त्म कर दें। शुक्रिया। आई स्टडी एन सेवंथ क्लास। मैंने ये चार्ट बनाई है जिस पे लिखा है ग्रीन गिव हेल्थ एंड हेल्थ इज अ वेल्थ। सब्जाई सेहत देती है और सेहत दौलत है। ये दूसरा भी लिखा है प्लांट अ ट्री एंड गेट ऑक्सीजन फ्री। पौधे और दरख्त लगाओ और ऑक्सीजन मुफ्त में हासिल करो। शुक्रिया। अहमद शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने चार्ट बनाया है कि दरख्त हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसमें लिखा है इफ़ यू कट द ट्रीज देन लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। ये बात सच है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में दरख्त ना लगाएं तो हमारी ज़िंदगी मुमकिन। मैंने चार्ट में कुछ मालूमात तैयार की है। जैसा कि आपको पता है कि दरख्त ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करता है, दर्जे हरारत में कमी लाता है, माहौल को खूबसूरत बनाता है, सख्त धूप में साया मुहैया करता है। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ दरख्तों के मालूमात भी लिखे हैं, और ये दरख्त काटाओं के असरात कम करने के लिए हमें दरख्त लगाने चाहिए, और खुशगवार माहौल अगर हमें चाहिए तो दरख्त लगाएं। शुक्रिया। वो जो बूटी था वो वेर का वल दोरा सवाब दे मौला यो दगारे सगाब यही था तासु तकुंदे मकाम पर जिंदगी तेरा क्या सोच वो कुछ तासु जिदा नेक कार करे रे करे रे करे चल नेक कार नहीं भी करे नो दगारी वो चर गो चे चुकालो मर गियो था पराग बच कभी अगान भी नो यो बूटी तो उपा बच तेरा मौला को तो कुछ शेर का तो तो शो भी खलो वो साला और तभी तरफ तता वो जो को तो सोर उमर तासु तेरे की तासु दावतान को तासु तजाना दाव दाव। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने प्लांटेशन किया, और हमारे क्लास के बच्चों ने चार्ट भी बनाए थे जिन्होंने चार्ट में अपने ख्यालात पेश किए थे। यकीनन दरख्त हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, अगर दरख्त ना हो तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं था, एक बंजर पहाड़ था।
इन दरख्तों की वजह से ये एक सरसब्ज इलाका बन चुका है और जहाँ सरसब्ज ज़मीन होती है वहाँ हरियालियाँ होती है और चरिंद और परिंद होते हैं। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई साल में कम अज़ कम एक दरख्त लगाए। इजाज़त चाहता हूँ। वो सलाम।